विश्वकर्मा थाना पुलिस ने नशे के सौदागर को किया गिरफ्तार। 18 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद कर युवक को किया गिरफ्तार। जिला विशेष टीम डीएसटी जिला जयपुर पश्चिम और विश्वकर्मा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सोमवार को एक नशे के सौदागर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 18 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने बताया कि जिला स्पेशल टीम डीएसटी जिला जयपुर पश्चिम, सूचना मिली कि विश्वकर्मा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति गांजा बेचने की फिराक में घूम रहा है, जहां पुलिस ने टीम गठित कर बताए हुए ठिकाने पर दबिश दी, जहां आरोपी को घेराबंदी कर आरोपी निवासी घोसवाड़ा वीआईपी रोड ईडन गार्डन के पास जिला मैदनीपुर कोलकाता हाल श्याम विहार रोड नंबर 8 मुकेश मंडल पुत्र शांति मंडल बंगाली सुनार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 18 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया। आरोपी से पूछताछ कर रही है। पिछले लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है, उसी अभियान के तहत हमारे जो SHO और समस्त जो पुलिस के अधिकारी हैं इस कार्रवाई को अंजाम देने में लगे हुए, इसी के तहत DST टीम वेस्ट और SHO विश्वकर्मा को सूचना मिली थी और उसके ऊपर गांजे की कार्रवाई की गई है NDPS एक्ट के तहत, जिसके अंदर 18 किलो गांजा मिला है और गांजे को जब्त किया गया है और मुकेश मंडल जो कि बंगाल का रहने वाला है और हाल अभी मुरलीपुरा के अंदर रहता है उसको गिरफ्तार किया गया है। वो किन किन लोगों से और कहां से ये इकट्ठा किया है गांजा उसके बारे में।